आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाई 100 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा ये 12 फीट का है और जो इसका ब्रेथ है वो 100 फीट का है, 100 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में रोड आएगा, सिर्फ फ्रंट में ही रोड आएगा और वेंटिलेशन फ्रंट से मिलेगा, सामने से वेंटिलेशन मिलेगा और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज्ड आएंगे, वो तीनों साइड बंद आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो मैंने प्लान बनाया है एक हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। गाइज अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई टैब यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 12 फीट के साइड से, तो ये हमारा ये सामने 12 फीट का है। तो एंटर करते यहाँ पे हमारा ये पार्किंग एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज है वो 11 फीट × 15 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। तो पार्किंग के अंदर आप एक कार आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और दो बाइक आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो इस तरफ हमारा ये 3 फीट का 3 फीट का दरवाजा दिया है, इससे हम अंदर जाते हैं हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 11 फीट × 14 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ है वो 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है, आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो दे सकते हैं। ये विंडो हमारा यहाँ फ्रंट साइड में खुलेगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल के अंदर आप यहाँ एल शेप में सोफा लगा सकते हैं, इस तरफ वाली वॉल पे टीवी यूनिट लगा सकते हैं। हॉल से हम आगे जाए तो यहाँ कॉर्नर में ये 3 फीट का 3 फीट का पैसेज दिया है। पैसेज के आगे इस तरफ हमारा ये 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली ये हमारा गेस्ट रूम है। हॉल के अंदर जो आपके गेस्ट आए हैं उनके यूज के लिए आप ये बना सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो 8 फीट × 10 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दिया है, एक विंडो हमारा यहाँ पे जो कि आप पैसेज में ओपन होगा तो आपको यहाँ से थोड़ा वेंटिलेशन मिल जाएगा और एक विंडो हमारा यहाँ पे है। ये जो विंडो हमारा ये खुलता है ये OTS के अंदर खुलता है। ये जो OTS होता है ये ओपन टू स्काई एरिया होता है, ये इतना एरिया ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। बेडरूम में आप ऐसे एक डबल बेड इस तरफ लगा सकते हैं और इस तरफ आप एक छोटा सा कबर्ड लगा सकते हैं। बेडरूम के अंदर हमने प्रोवाइड किया है WC+ बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो इस तरफ हमारा ये डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का, इससे हम अंदर जाते हैं WC+ बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 6 फीट × 6 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमारा वो 6 फीट का है और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है, ये विंडो भी हमारा यहाँ OTS के अंदर ओपन होगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा इसके अंदर। तो जो हमारी सीढ़ियाँ है, इसके बाद हमारी सीढ़ियाँ आती है तो उसके जो नीचे की जगह है हम उसे यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो उसके नीचे की जगह आप इसे यहाँ टॉयलेट एरिया के लिए यूज कर सकते हैं और बाकी एरिया आप इसे बाथरूम एरिया बना सकते हैं। इससे हम बाहर आए तो ये जो हमारा पैसेज है वो आगे जाता है। आगे जाते हम तो यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आती है, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर या फिर टेरेस पे चले जाएंगे।
इससे हम आगे जाए तो आगे हमारा किचन एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 11 फीट × 10 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये पैसेज दिया है। ये जो पैसेज के आगे हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर बॉक्स, तो इसके अंदर हमारा जाली आएगा, तो ये जाली ऊपर तक ओपन रहेगा, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। अगर आपको इसके जाली के बारे में अच्छे से समझना है तो 2D वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए इसका, तो आपको इससे प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। किचन के अंदर आप ऐसे एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं, इस तरफ आप फ्रिज रख सकते हैं, इस तरफ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इससे हम आगे जाए तो आपको जो बीच में हमारी जाली लगेगी तो आपको उससे जो वेंटिलेशन मिलेगा वो किचन में मिल जाएगा, यहाँ WC में मिल जाएगा, स्टोर रूम में मिल जाएगा और आगे हमारा डाइनिंग एरिया में मिल जाएगा। तो ये ऊपर तक बेसिकली OTS की तरह ये एक्ट करेगा। तो इसके जो हमारा ये पैसेज आता है ये बीच में 3 फीट का, तो इस तरफ हमारा ये दरवाजा दिया है 2 फीट 6 इंच का, इससे हम अंदर जाते हैं स्टोर रूम के अंदर। तो किचन के बाजू में ही हमने प्रोवाइड किया है, दिया है स्टोर रूम। इसका जो साइज है वो 3 फीट 6 इंच × 7 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट का है। अगर आपको इसके अंदर वेंटिलेशन चाहिए तो यहाँ पे हमने ये विंडो दिया है, खिड़की दिया है, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा स्टोर रूम के अंदर। इसी के सामने हमारा ये दरवाजा दिया है 2 फीट 6 इंच का, इससे हम एंटर करते हैं WC+bath area, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। इसका भी जो साइज है हमारा वो 3 फीट 6 इंच × 7 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक वेंटिलेशन हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ है वो 3 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट का है। अगर आपको इसके अंदर टॉयलेट एरिया नहीं प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ बाथरूम एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो यहाँ ये OTS के अंदर ओपन होगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। इससे हम आगे जाए तो पैसेज एरिया के आगे हमारा ये डाइनिंग एरिया आता है, या फिर आप इसे ओपन स्पेस कह सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो 11 फीट × 10 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट का है। इसके अंदर आप यहाँ कॉर्नर में एक डाइनिंग टेबल बड़ा सा लगा सकते हैं, इस कॉर्नर में आप यहाँ सोफा लगा सकते हैं सिंगल या डबल, इस कॉर्नर में आप शोकेस लगा सकते हैं। बेसिकली आप इसे एक सिटिंग एरिया की तरह यूज कर सकते हैं। इससे हम आगे जाए तो इस कॉर्नर में हमारा ये 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम अंदर जाते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट × 13 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 13 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है या फिर ये खिड़की दी है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ बैक साइड में ओपन होगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। बेडरूम के अंदर आप यहाँ ऐसे डबल बेड लगा सकते हैं, इस कॉर्नर वॉल पे आप कबर्ड लगा सकते हैं, इस तरफ आप यहाँ पे स्टडी टेबल बना सकते हैं और इस तरफ आप यहाँ साइड टेबल लगा सकते हैं। इससे हम आगे जाए तो यहाँ बीच में हमारा ये डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम आगे जाते हैं, आगे हम एंटर करते हैं स्विमिंग पूल एरिया में। तो ये लास्ट में हमने ये स्विमिंग पूल एरिया बनाया है क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका जो साइज है वो 8 फीट × 9 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 9 फीट का है। इसके अंदर आप यहाँ कॉर्नर में ये छोटी सी जगह हमारा चलने के लिए बना सकते हैं और इस तरफ आप यहाँ पे ये स्विमिंग पूल हमारा जो छोटा सा आप बना सकते हैं हाउस होल्ड होम के यूज के लिए। तो ये बेसिकली जो ये एरिया रहेगा ये ऊपर तक ओपन रहेगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन आराम से पूरा हवा उजास लाइट सब कुछ मिलेगा। और इसी के अंदर हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे ये दो दरवाजे, तो आप देख सकते हैं जो पहला दरवाजा है हमारा 2 फीट 6 इंच का, इससे हम अंदर जाते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम का जो साइज है वो 3 फीट × 5 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा
5 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए ये यहाँ पे खिड़की दिया है, तो यहाँ ये ओपन स्पेस में ओपन होगी ये खिड़की, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इसके बाजू में हमारा ये 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है दरवाजा, इससे हम अंदर जाते हैं WC के अंदर यानी टॉयलेट एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 3 फीट x 4 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 4 फीट का है। इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये यहाँ पे हमारा ओपन स्पेस में ओपन होगा, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।